भिंड के तेज तर्रार कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने किसानों व आम जन के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरण लंबित होने पर संबंधित हलके के पटवारी और निरीक्षक से 1,000 रुपए आवेदक को दिलवाने की बात कही है, जिसके बाद एक किसान की शिकायत पर जिला प्रशासन ने किसान को 1,000 की राशि इनाम स्वरूप दी है। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड जिले में पटवारी और राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत के चलते सीमांकन प्रकरणों में देरी की जा रही थी। ऐसे में जिला कलेक्टर ने भिंड जिले के अंतर्गत 29 फरवरी 2024 तक के समस्त सीमांकन आवेदन का निराकरण का आदेश जारी किया। वहीं यदि कोई भी सीमांकन प्रकरण 29 फरवरी 2024 से पूर्व का लंबित प्रकरण प्रमाण सहित अवगत कराता है तो संबंधित आवेदनकर्ता को उसी के हल्के के पटवारी और राजस्व निरीक्षक से 1,000 रुपए दिलवाए जाएंगे। जहां किसान की शिकायत पर जिला प्रशासन ने किसान को उपहार स्वरूप 1,000 की राशि दी गई है। फिर जो पेपर में आया था कि जिसका सीमांकन बाकी है उसको जो है 1,000 रुपए का इनाम दिया जाए। हाँ, कलेक्टर साहब को शिकायत हुई। हाँ, 1,000 रुपए मिले। ये जो भूमि अधीक्षक जो है ने दिए, सीमांकन के लिए आश्वासन दिया गया है कि सीमांकन आपका जल्दी हो जाए, ये कुछ नहीं बताया। आपको बता दें कि भिंड कलेक्टर द्वारा सीमांकन प्रकरण में इस तरह के नवाचार से आम जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई और भिंड जिले में चारों ओर इस कदम की प्रशंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।